वीडियो में तुम लोगों को बताऊंगा कि तुम मेरी तरह एनिमेशन किस तरीके से बना सकते हो। तो तुम लोगों को बेसिकली करना क्या होगा, दो ऐप की नीड पड़ेगी, एक है फिल्पा क्लिप और एक है काइन मास्टर। तो सबसे पहले तुम लोग करना क्या होगा, क्रोम ब्राउजर में जाना है और किसी भी कार्टून बॉय की तुम लोगों को फोटो डाउनलोड कर लेनी है और किसी भी वेबसाइट से उसका बैकग्राउंड को रिमूव कर देना है। उसके बाद तुम लोगों को YouTube पे चले जाना है और माउथ एनिमेशन ग्रीन स्क्रीन सर्च करना है और उधर से कोई सी भी वीडियो डाउनलोड कर लेनी है। अगर तुम लोगों को डाउनलोड करना नहीं आता तो तुम लोग स्क्रीन रिकॉर्ड भी कर सकते हो। उसके बाद तुम लोगों को फिल्पा क्लिप में चले जाना है और प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके कोई सा भी अपने प्रोजेक्ट को नाम दे देना है। तुम लोगों को सी डॉट पे चले जाना है, इम्पोर्ट इमेज पे चले जाना है और जिस कैरेक्टर का तुम लोगों ने बैकग्राउंड रिमूव किया था वो कैरेक्टर तुम लोगों को इम्पोर्ट कर देना है। इम्पोर्ट करने के बाद तुम्हारे सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। नीचे तुम लोगों को बहुत सारे पेजेस मिलेंगे। तुम लोगों को जो पहला पेज होगा कुछ उस इस तरीके से लॉन्ग प्रेस करना है और कॉपी वाले इमेज के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर तुम्हारा जो पहला पेज होगा पूरा डुप्लीकेट तुम्हारे सेकंड पेज पे आ जाएगा। फिर तुम लोगों को अपने कैरेक्टर का हाथ हिलाना है। तो हाथ हिलाने के लिए करना क्या होगा, तुम लोगों को सेकंड पेज पे जाना है और कुछ इस तरीके से इरेजर को सेलेक्ट करके थोड़ा सा रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद तुम लोगों को अपने हाथ को कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद तुम लोगों को कलर वाले ऑप्शन पे जाना है और अपने सूट के कलर को सेलेक्ट करके अपने हाथ पे कुछ इस तरीके से कलर करना है। फिर तुम लोगों को फिर से कलर वाले ऑप्शन पे जाना है और अपनी स्किन का कलर को सेलेक्ट करके अपने हाथों पर कुछ इस तरीके से कलर कर लेना है। उसके बाद तुम लोगों को अपने कैरेक्टर का स्क्रीन शॉट ले लेना है। सबसे पहले तुम लोगों को अपने काइन मास्टर में अपने कैरेक्टर को इम्पोर्ट कर लेना है। उसके बाद जिस कैरेक्टर का तुम लोगों ने स्क्रीन शॉट लिया था उस कैरेक्टर को इंपोर्ट कर लेना है और तुम लोगों ने YouTube से माउथ एनिमेशन ग्रीन स्क्रीन को डाउनलोड किया था उसको भी इंपोर्ट कर लेना है और उसको अपने माउथ यानी मुंह के पास कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है और फिर तुम्हारा हाथ भी मूव होते रहेगा और तुम लोग इसमें वॉइस ओवर करके एक अच्छा सा एनिमेशन बना सकते हो। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।